तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें, फटाफट एक एक कर विस्तार से आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे। जा दोस्तों पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि दिल्ली हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस ने जारी की आज नई चार्जशीट। ताहिर हुसैन के बाद भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर रावण का लिया नाम। दिल्ली पुलिस बोली, चंद्रशेखर रावण ने फैलाई दिल्ली में हिंसा। इस बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान ने कोरोना से जीती जंग, तो WHO ने की पाकिस्तान की तारीफ, कहा दुनिया को इस देश से सीखना चाहिए। वहीं मोदी को लगाई WHO ने फटकार, कहा कोरोना रोकने में मोदी रहे विफल। इस बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि मुस्लिम विरोधी शो सुदर्शन टीवी को चलाने की मोदी सरकार ने दी इजाजत। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने भी सुदर्शन टीवी के इस शो पर रोक लगाने से आज कर दिया इनकार, तो BJP के दबाव में कोर्ट करने लगा काम। इस बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि चीन और भारत तनाव को लेकर मोदी की बड़ी मुश्किलें। चीन भारत तनाव को लेकर BJP के पूर्व विदेश मंत्री ने किया दावा, चीन से भारत का युद्ध हुआ तो कोई भी देश नहीं करेगा भारत की मदद, चीन और पाकिस्तान कर लेंगे भारत की जमीन पर कब्जा। इस बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि पश्चिम बंगाल से BJP को तगड़ा झटका। पश्चिम बंगाल में ब्राह्मण लड़की रिया चक्रवर्ती के सपोर्ट में कांग्रेस ने निकाली रैली, कहा ब्राह्मणों के साथ कर रही है BJP अत्याचार, रिया चक्रवर्ती ब्राह्मण लड़की है इसलिए BJP फंसा रही है उसे। इस बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि आम आदमी पार्टी ने लखनऊ में खोला 4 गुना बड़ा दफ्तर। योगी सरकार को संजय सिंह ने किया चैलेंज, दोबारा सील करके दिखाए आम आदमी पार्टी का दफ्तर योगी, तब करेंगे आगे बात। इसी बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि बिहार चुनाव को लेकर भी एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि चिराग पासवान ने नीतीश और BJP को अपना समर्थन दे दिया है, इसको भी विस्तार से आपको बताएंगे। इसी बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस ने किया दावा, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह व्यवहार कर रही है मोदी सरकार, किसानों को बना रही है गुलाम। वहीं आगे आपको बताएंगे कि सीमा विवाद के बीच अरुणाचल प्रदेश से अगवा हुए 5 युवकों को चीन ने भारत को आज सौंपा। वहीं भारत में किए गए 5 14 दिन के लिए क्वारंटीन। तो सभी खबरों को विस्तार से एक एक कर आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों पहली बड़ी खबर की ओर, तो दिल्ली दंगा को लेकर दिल्ली पुलिस ने जारी की आज नई चार्जशीट। ताहिर हुसैन के बाद भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर रावण को बनाया आरोपी। जय दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ दिल्ली में जिस तरह से सांप्रदायिक हिंसा फैली और इसको लेकर दिल्ली पुलिस ने पहले चार्जशीट दायर की थी, जिसमें ताहिर हुसैन समेत कई नेताओं को आरोपी बनाया, लेकिन BJP का एक नेता का भी नाम इस चार्जशीट में नहीं आया। लेकिन आज दिल्ली पुलिस ने एक नई चार्जशीट दाखिल कर दी है और इस चार्जशीट में भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर रावण का नाम आया है। साथ ही कई देशभक्त नेता योगेंद्र यादव, जयती घोष और सीताराम येचुरी का भी नाम इस दिल्ली हिंसा में चार्जशीट में दिल्ली पुलिस ने लिया है। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि जब नागरिकता संशोधन कानून देश में पास हुआ था, तब इन लोगों ने एक ग्रुप बनाया था और उसमें इन्होंने फैसला लिया था कि नागरिकता संशोधन कानून और NRC के खिलाफ पूरे दिल्ली और पूरे देश में हमें विरोध प्रदर्शन करना है और मोदी सरकार को गिनाना है, चाहे किसी भी हद तक हमें जाना पड़े। तो दिल्ली पुलिस ने ये नई चार्जशीट में दावे किए हैं। वहीं आपको बता दें कि इसी को लेकर दिल्ली के पूर्व DJP और IAS अधिकारियों ने कहा है कि जिन लोगों ने दिल्ली में हिंसा फैलाई थी, नफरत भरे भाषण दिए थे, उन BJP नेताओं को दिल्ली पुलिस छोड़ रही है और जो देशभक्त लोग हैं उन्हें फंसा रही है। तो ये काफी बड़ा दिल्ली के पूर्व DJP ने बयान दिया। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पाकिस्तान ने कोरोना से जीती जंग, तो WHO ने कर दी पाकिस्तान की तारीफ, कहा दुनिया को पाकिस्तान से सीखना चाहिए। वहीं मोदी को लगाई
WHO ने लताड़ दिया। दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि कोरोना महामारी भारत में कम होने की बजाय और तेजी से फैला है। इसी बीच खबर सामने निकल कर आ रही कि पड़ोसी देश पाकिस्तान ने कोरोना महामारी पर पूर्ण रूप से काबू पा लिया और पाकिस्तान में कोरोना खत्म हो गया। इस बीच आपको बता दें कि पाकिस्तान में कोरोना खत्म होने के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने पाकिस्तान की तारीफ की है। WHO के चीफ ने कहा है कि पाकिस्तान सरकार ने वो काम किया है, इस काम को देखकर अन्य देशों को पाकिस्तान से सीखना चाहिए और किस तरह से पाकिस्तान ने कोरोना महामारी पर विजय पाई है। वहीं भारत सरकार को लताड़ लगाते हुए WHO ने कहा है कि मोदी सरकार भारत में कोरोना रोकने में विफल हुई है और इस तरह से कोरोना महामारी भारत में बहुत तेजी से फैला है, तो किस तरह से पाकिस्तान जो आतंक का अड्डा माना जाता है आज वो पूरी दुनिया में शीर्ष पर है और भारत जो एक विशालकाय देश है वो आज मोदी राज में सबसे नीचे है, तो किस तरह से पाकिस्तान भारत से आगे निकलता जा रहा है और कोरोना महामारी में पाकिस्तान ने जीत हासिल कर दी लेकिन भारत में 1,00,000 केस पिछले 24 घंटे में आ रहे हैं, जो मोदी सरकार की सबसे बड़ी विफलता है और इसी को देखते हुए WHO ने फटकार मोदी सरकार को लगाई। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुस्लिम विरोधी कार्यक्रम चलाने की मोदी सरकार की इजाजत के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने भी सुदर्शन टीवी के शो पर रोक से कर दिया इनकार। बीजेपी के दबाव में कोर्ट कर रहा है काम। जब दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि मोदी सरकार ने पिछले दिनों सुदर्शन टीवी के उस कार्यक्रम को चलाने की इजाजत दे दी थी जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने पिछले दिनों रोक लगाई थी। रोक इस कारण लगाई थी कि सुदर्शन न्यूज चैनल ने एक विवादित कार्यक्रम लॉन्च किया था जिसमें सरकारी सेवाओं में मुस्लिमों की घुसपैठ को लेकर साजिश पर बड़ा खुलासा करने का दावा सुदर्शन न्यूज ने दावा किया था, जिसके बाद कई देश के नेताओं और IAS और IPS अधिकारियों ने इस पर नाराजगी जताई और दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका डाली, जिसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी लेकिन मोदी सरकार ने 11 तारीख को इसे चलाने की इजाजत सुदर्शन न्यूज चैनल को दे दी थी, जिसके बाद कल दिल्ली हाईकोर्ट ने भी सुदर्शन टीवी के इस शो पर रोक से इनकार कर दिया। यानी जो बीजेपी अपना आदेश देती है वही आदेश कोर्ट भी सुनाता है, क्योंकि इसमें बता रहे थे सुदर्शन न्यूज चैनल के जो एडिटर इन चीफ हैं उन्होंने कहा था कि लव जिहाद को IAS और IPS अधिकारी बनकर मुसलमान बच्चे फैला रहे हैं, तो ये किस तरह से विवादित शो चलाने की मोदी सरकार और अब दिल्ली हाई कोर्ट ने भी सुदर्शन टीवी को इजाजत दे दी है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारत चीन तनाव को लेकर बीजेपी के पूर्व विदेश मंत्री ने किया दावा, चीन से भारत का युद्ध हुआ तो कोई भी देश भारत की नहीं करेगा मदद, चीन कर लेगा भारत पर कब्जा। जय दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि इन दिनों भारत और चीन के बीच बड़े सीमा विवाद को लेकर देश के पूर्व विदेश मंत्री और बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा ने बड़ा बयान दिया है। यशवंत सिन्हा बीजेपी नेता ने कहा है कि चीन धोखेबाज है। आगे उन्होंने कहा है कि चीन से भारत का युद्ध हुआ तो अमरीका या अन्य रूस देश भारत की मदद नहीं करेंगे और चीन अगर भारत पर हमला करता है तो चीन भारत पर कब्जा कर लेगा, तो किस तरह से बीजेपी नेताओं को भी चीन से डर लगने लगा है, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी चीन का नाम तलक नहीं लेते हैं। वहीं आपको बता दें आगे उन्होंने कहा है कि चीन दुष्ट है और धोखेबाज देश है, वहीं वो दूसरे देशों की जमीन हड़पना चाहता है और इसलिए वो पाकिस्तान का साथ ले रहा है कि किसी तरह से भारत को घेरा जाए और भारत पर कब्जा किया जाए। तो सीधा उन्होंने जवाब दे दिया कि चीन जो है युद्ध हुआ तो अमेरिका या फिर रूस की दोस्ती मोदी के काम नहीं आएगी, तो ये बड़ा दावा अपनी ही सरकार पर उन्होंने कर दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्त अगली खबर की ओर, तो बंगाल में बीजेपी की बड़ी मुश्किलें, पश्चिम बंगाल में रिया चक्रवर्ती के सपोर्ट में कांग्रेस ने निकाली रैली, वहीं पश्चिम बंगाल में बुरी तरह से हारेगी बीजेपी। जा दोस्तों आपको बता दें कि एक्टर सुशांत सिंह मौत के बाद से बॉलीवुड में उथल पुथल मची हुई है। ड्रग्स मामले में सुशांत सिंह की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती, उनके भाई समेत 6 लोगों को न्यायिक हिरासत में जाने के बाद अब देश के अलग अलग हिस्सों में एक्ट्रेस के लिए न्याय की मांग होने लगी है। ताजा मामला पश्चिम बंगाल के कोलकाता से निकल कर सामने आया है, जहां लोगों ने हाथ में बैनर लेकर रिया चक्रवर्ती के लिए न्याय की मांग करते हुए सड़कों पर उतरे हैं। बताया ये जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में जो है
एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती के पिता रहने वाले हैं और रिया चक्रवर्ती भी वहीं की ब्राह्मण लड़की है और इसी को लेकर कहा गया है कि बीजेपी ब्राह्मणों को किस तरह से जेल में डाली है, उनके एनकाउंटर करा रही है, चाहे वह उत्तर प्रदेश हो या फिर रिया चक्रवर्ती का मामला, तो बुरी तरह से पश्चिम बंगाल में बीजेपी घिर गई है और बीजेपी के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन होने लगा है और बीजेपी बुरी तरह से अब पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भी हारेगी। तो जबरदस्त रिया चक्रवर्ती के सपोर्ट में कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में रैली निकाली है। इसी बीच बैठे दोस्त अगली खबर की ओर, तो आम आदमी पार्टी ने खोला नखलऊ में 4 गुना बड़ा दफ्तर। योगी सरकार को आम आदमी पार्टी ने किया चैलेंज, कहा दोबारा सील करके दिखाए योगी। जब दोस्तों आप बता दें कि आम आदमी पार्टी ने 11 सितंबर 2020 को नखलऊ में पार्टी का नया कार्यालय खोला है। ये कार्यालय पार्टी के पुराने कार्यालय से 4 गुना बड़ा है। ये कार्यालय नखलऊ के गोमती नगर में स्थित है। आप सांसद संजय सिंह ने पार्टी के नए कार्यालय का उद्घाटन किया है, साथ ही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को दफ्तर को दोबारा सील करने की चुनौती भी दे दी है। आपको बता दें कि आपका नखलऊ में जो पहले कार्यालय था उस पर पिछले महीने की 16 तारीख पर ताला पड़ गया था। जिस बिल्डिंग में कार्यालय खोला गया था पार्टी ने उसे किराए पर ले रखा था, जब संजय सिंह पर 6 मुकदमे दर्ज हुए थे, जिसके बाद संजय सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा था और तभी योगी सरकार ने उनके इस कार्यालय को सील कर दिया था, जिसके बाद अब खुद की जमीन लेकर आम आदमी पार्टी ने नखलऊ में पुराने कार्यालय से 4 गुना बड़ा कार्यालय खोला है, जिसके बाद योगी को चैलेंज दे दिया है कि योगी दोबारा से इस कार्यालय को सील करके दिखाए। इसी बीच बढ़ते दोस्त अगली खबर की ओर, तो बिहार चुनाव को लेकर बड़ा बयान। चिराग पासवान बोले कि बीजेपी के नेतृत्व में लड़ेंगे चुनाव, वहीं बीजेपी चाहे तो किसी को भी बना सकती है बिहार का मुख्यमंत्री। चलो दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में भाजपा, जेडीयू और लोजपा का रजक गठबंधन एकजुट होकर विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि इसी बीच आपको बता दें कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार में तनाव बना हुआ था, लेकिन नीतीश कुमार के तनाव के बीच चिराग पासवान ने भी अपना समर्थन बीजेपी और नीतीश को दे दिया है। चिराग पासवान ने बिहार चुनाव को लेकर ऐलान कर दिया है कि नीतीश के नेतृत्व में ही बिहार का चुनाव लड़ा जाएगा और बीजेपी जिसे मुख्यमंत्री बनाना चाहेगी उसे बना सकती है, इसको लेकर लोजपा को कोई दिक्कत नहीं है। वहीं आपको बता दें कि सीट बंटवारे को लेकर बीजेपी, लोजपा और नीतीश के बीच बैठक हुई है। इस बैठक में सीटों के बंटवारे को लेकर भी काम पूरा हो चुका है और बिहार चुनाव में अब तीनों ही पार्टी मिलकर लड़ेंगी चुनाव। तो ये काफी बड़ा अपडेट है बिहार चुनाव को लेकर। इसी बीच बैठे दोस्त अगली खबर की ओर, तो पूर्व नौसेना अफसर की पिटाई पर शिवसेना ने कहा कि जो कुछ हुआ गुस्से में हुआ, सीएम उद्धव ठाकरे का कार्टून अपमानजनक था। जहां दोस्तों आप बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से जुड़ा एक कार्टून सोशल मीडिया पर फॉरवर्ड करना नौसेना के पूर्व अधिकारी को भारी पड़ गया। वहीं आपको बता दें कि शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने पूर्व नौसेना के अधिकारी की बुरी तरह से पिटाई कर दी, जिसके बाद ये मामला तूल पकड़ गया और बीजेपी नेता नौसेना के पूर्व अधिकारी के समर्थन में उतरे और शिवसेना का विरोध किया। इसी को लेकर अब शिवसेना ने बड़ा बयान दिया है। शिवसेना ने कहा है कि जो कुछ भी हुआ वो गुस्से में हुआ था, क्योंकि जो कार्टून सीएम उद्धव ठाकरे का बनाया गया था वह अपमानजनक था और ये चीरहरण का इस तरह से फोटो नहीं या कार्टून नहीं बनाना था। वहीं शिवसेना ने माफी मांगते हुए कहा है कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और हम इसमें किसी तरह का राजनीति नहीं कर रहे हैं। तो किस तरह से एक पूर्व नौसेना के अधिकारी को सीएम उद्धव ठाकरे का कार्टून शेयर करना अपनी प्रोफाइल पर भारी पड़ गया और बुरी तरह से नौसेना के अधिकारी की कुटाई शिवसेना कार्यकर्ताओं ने कर दी है। इसी बीच बैठे दोस्त अगली खबर की ओर, तो कांग्रेस ने बीजेपी पर किया हमला, कहा ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह देश की जनता से व्यवहार कर रही है मोदी सरकार। जब दोस्तों आपको बता दें कि किसानों की फसल खरीदी संबंधित 3 अध्यादेश सरकार आगामी मानसून सत्र में सदन में पेश करेगी। इसको लेकर शनिवार को कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी ने 5 जून को अध्यादेश के जरिए 3 केंद्रीय कानून को बदल दिया।
कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी सरकार किसानों को गुलाम बनाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह व्यवहार कर रही है। वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कांग्रेस के नेशनल मीडिया प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि पहले मोदी सरकार किसानों की जमीन का हड़पने की कोशिश कर रही है और इसको लेकर कानून लाई है, और अब सरकार किसानों के उत्पाद का अतिग्रहण करने के लिए कानून लेकर आ रही है और किसानों को ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत ही गुलाम बना रही है। तो किस तरह से जबरदस्त हमला कांग्रेस ने बोला है, कहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह किसानों के साथ व्यवहार कर रही मोदी सरकार और किसानों को गुलाम बना रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सीमा विवाद के बीच अरुणाचल प्रदेश से अगवा हुए 5 भारतीयों को चीन ने भारत को सौंपा। जहां दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि पूर्वी लद्दाख में सीमा को लेकर चल रहे विवाद के बीच चीन की सेना ने अरुणाचल प्रदेश से लापता हुए 5 भारतीयों को भारत के लिए सौंप दिया है। आज इसके बाद उन्हें 14 दिन के लिए भारत में क्वारंटीन भी किया गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस के विधायक ने दावा किया था कि सुबनसिरी जिले से 5 लोगों को कथित रूप से चीन की सेना ने अगवा कर लिया है, जिसके बाद भारत सरकार से इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा गया था। वहीं भारतीय सेना ने चीन की सेना को एक मैसेज किया था, जिसके बाद चीन की सेना ने माना कि वो 5 भारतीय चीन की सेना ने पकड़ लिए हैं और चीन के पास हैं, उन्हें जल्द ही भारत के लिए वापस कर दिया जाएगा, जिसके बाद चीन की सेना ने आज इन 5 भारतीयों को सौंप दिया है भारत की सेना को, जिसके बाद 14 दिन के लिए इन्हें क्वारंटीन भी कर दिया गया है भारत में। तो बड़ी खबर है चीन और भारत को लेकर।